अशीवा किचन बैसले सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी सब्जियां बहुत ज़्यादा होंगी, चावल बहुत कम होंगे। देखने कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गैस को ऑन किया और एक कड़छी के लगभग मैंने तेल डाल दिया और एक मैंने क्या किया, एक कटोरी में चावल उबाल के रख लिए ताकि आपका टाइम बच जाए। बाकी गोभी मैंने ये धो बना के ये भी रख ली। गाजर भी मैंने इतने इतने पीस लंबे काट लिए, छोटे नहीं लंबे पीस काट के, जैसे रेस्टोरेंट में बनाते वैसे बना के। ये मटर के दाने एक कटोरी के लगभग, बाकी थोड़ा सा हमारा धनिया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, गैस ऑन की, तेल गर्म हो गया, तेज पत्ता हम ये डालेंगे। इससे क्या होता है, ये देखो तेल हमारा, ऑलिव ऑयल डाला, चाहे कोई भी तेल डाल लो आप, कोई भी रिफाइंड जो डालना है, सरसों का तेल नहीं डालना बस। चाहे आप देसी घी भी डाल सकते हो, देसी घी की भी बिरयानी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें मैंने तेज पत्ता डाल दिया। तेज पत्ता क्यों डालते हैं कि इससे फ्लेवर बढ़ता है और नंबर दो खुशबू आती है इसकी। ये देखो इसको, ये देखो। अब इसके बाद क्या करेंगे, दालचीनी, दालचीनी का एक पीस डालेंगे, क्यों हमारे चावल कम है, इससे भी खुशबू आती है। चाहे सब्जी में भी डाल लो, उसमें भी खुशबू आती है, चावल बिरयानी बनाओ तब भी खुशबू आती है। जी डाल दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये हो गया ब्राउन, ये देखो। अब इसके बाद क्या करेंगे, जीरा एक चमचे के लगभग हम जीरा डालेंगे। ये बिरयानी में सबसे यह चीजें बहुत जरूरी है। नंबर दो हम इसके बाद क्या होगा, जिस तरह 18 पीस हमें काली मिर्च साबत पीसी हुई साबत डालनी है, इससे और खुशबू आएगी। अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर दिया। अब एक चम्मच हम धनिया साबत ये भी डालेंगे। देखना कितनी कितनी खुशबू आती है, आप ये देखना बिरयानी कितनी खुशबू आएगी। आप भी ऐसे ही बनाना और देखना, देखो अभी आ रही है कितनी खुशबू। ये सब इन्हीं की चीजों से आ रही मसाले, क्या साबुत मसाले डाले हैं। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जी गोभी डाल देंगे। कितनी खुशबू आ रही है अभी, बनने में तो और होगी। इसके बाद हम ये भी डाल देंगे, गाजर भी डाल देंगे और मटर भी डाल देंगे। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे। जैसे रेस्टोरेंट में बनती है आजकल, ये वैसे ही बना रही है। हो गया, अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक अपने स्वाद से, अगर ज्यादा खाते हो ज्यादा डालो, कम खाते हो कम, थोड़ा सा और डाल दें। थोड़ी सी रेड फ्लेक्सी मिर्च ये भी डालेंगे, थोड़ी सी डाल। अब देख रहे हैं इसका स्वाद। अब हम क्या करेंगे, हल्का सेक करेंगे, मीडियम आंच, ज्यादा हल्का भी, और इसको क्या करेंगे ढक देंगे, ढक के 5 मिनट के इसको पकाएंगे। देखो हम देखते हैं अब 5 मिनट के बाद क्या हुआ है। ये देखो 5 मिनट के बाद जी हमारा बन गया। ये देखो कैसे गोभी गल गई, मटर भी गल गए। सर 5 मिनट लगे बस। अब क्या करेंगे, जो चावल हमने उबाल के रखे हुए हैं जो इसमें डाल देंगे। अब इसको कर दो मिक्स। ये हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनी।
इतनी खुशबू आ रही है कि हमारी किचन से बाहर जा रही खुशबू। ये मसाले तेज पत्ता, काली मिर्च वगैरह जो हमने डाले हैं, जीरा, सारे मसाले जो डाले हैं, खड़े मसाले, उसी की खुशबू सारी ये जा रही है। खाने के टाइम आप कर जे तेज पत्ता निकाल देना याद से, क्योंकि गले में कई बार क्या होता फंस जाता है, फिर निकलता नहीं है। ये आपने याद रखना कि तेज पत्ता अंदर नहीं रखना खाने के टाइम, बाहर निकाल दो इसको। ये देखो इसको अच्छी तरह मिक्स कर दो बस। ये हमारे बन गए। अब इसमें क्या करेंगे, ये हरा धनिया जो हमने काट कर रखा, बस ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनी। ये देखो देखो, आशा है कि आपको खूब पसंद आई होगी। आप भी किचन में जाइए और बनाकर देखिए कैसे बनती है, फिर आप अपने कमेंट लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए।